बैठा नहीं, मैं बुखार आ जाता। अरे अंकल जी बड़ी कमाल की बात बोली आपने, खाली नहीं बैठा जाता, खाली बैठते तो बुखार आ जाता है। इससे इसमें मैं चलता रहता हूँ, हाथ पैर चलते रहते हैं, कभी खेला था खेल लिया, कभी वहाँ बैठ गया, कभी वहाँ बैठ गया। तो ये कैसे लेता हो? है ये मोटरसाइकिल से। आप बैठ जाते हो गए ना? मैं तो खुद अभी पीछे खुद लिया। हाँ वो है टी वी एस छोटी वाली। अच्छा छोटी वाली जो बाइक होती है वो उस पर रखी, जिस आप बोलते हैं क्या बोलते हैं उसे? ऑफिसी में। हाँ बस यही काम है। मैं इस पर भी 100-150 कमा रोज के। रोज का 150-150 कमा लेते हो? इसे अलग भी लेके जाते होगे बेचने कहीं ना? अड्डे भी इसी जगह पे, वो जगह है सामने वो। अच्छा वहाँ जाना साइकिल। आज क्या बात है, बंदी बंदी कैसे दिख रही है? शनिवार और एतवार दोनों बंद। तो वैसे तो सुना उत्तराखंड खोल दिया। खोल दिया फिर भी यूपी नहीं खुली है। यूपी नहीं खुली है? आप कहाँ से लाते हो यूपी? उत्तराखंड से यूपी से? मैं लाता यूपी से। अच्छा तो फिर कैसे चोरी से निकल के जाते हो? चोरी से नहीं जाता हूँ, हम लोग खा लेते हैं। अच्छा अच्छा खा लो यार। देखिए कितना माल होगा अंकल? ये 30 किलो लाया था। अच्छा रोज आधा कुंटल बिक जाता माल? ना 30-40। तो 30-40 इतना माल बेच रहे हो आप, लेके जा रहे हो 100-150 ही बचते हैं। ये पंतनगर का भी तो आता है अमरूद, मोटा वाला, काफी मोटा होता है वो, मैंने देखा इतना इतना मोटा होता है वो। नाम है नकली है वो है? जो जाड़े नगर में अमरूद ही कहाँ है यार, हम देख कहाँ देख के खाए हम। अच्छा मोटे मोटे तो बनते हैं वो, कहाँ बनते हैं वो? यहाँ का वो तो बनाना पड़ता होगा हाइब्रिड। वो हम इंजेक्शन लगाते हैं। इंजेक्शन तो उसमें जान नहीं आता यार, हम जो इंजेक्ट करके देते हैं नुकसान हो गया। हाँ आधे किलो का है अमृत तो बहुत मीठा अंकल। 20 किलो अमृत के कितने पैसे हुए? 20 किलो के जोड़ लो बेटा तू। तुम बताओ कब लोगे तुम? हाँ कब लोगे? अभी अब करेंगे। क्यों? तो ये 20 किलो ना होंगे सब, कितने होंगे? आज होंगे 14-15। चलो 15 मान लो, इसे लगा के ये इससे अलग तो 17 हो गए ना, इसे लगा के 2 और 15 ये 17 हो गए। तो 17 किलो के कितने? 50 रुपये किलो है? 25 रुपये किलो, सॉरी 25 × 17 ये तो 425 रुपये का हो रहा है। तो एक काम करो अंकल, आप ऊपर वाले पे तो भरोसा करते हो आप, आपने इतनी बड़ी बात बोली मेरे से, ये पकड़ो तो पैसे पकड़ो। क्या अगर आप खाली बैठते हो तो बुखार आ जाता है? अंकल हम जैसे जवान बच्चे 10 बजे सो के उठ रहे हैं और 12-1 बजे नाश्ता करके नहीं बैठते हैं, थोड़े देर में इधर उधर घूमा टाइम हो गया पूरा, फिर सो जाएंगे शाम को। आप इतनी उम्र में मेहनत कर रहे हो और लोगों से ऐसे ऐसे बोलते हो गए आप, जैसे मुझसे बोला आज। बड़े मोटिवेट हुए होंगे लोग, मतलब अंदर से उल्लास से भर गए होंगे, हर्षोल्लास से। कोई मुझे बुरा नहीं कहेगा। बिल्कुल, तो ये आपकी मेहनत के पैसे हैं, आप जो है बहुत कम रेट में बेच रहे हो। बस एक रिक्वेस्ट है आपसे, विनती कि हमारे लिए थोड़ी दुआ करना और आशीर्वाद की ज़रूरत है आपके। कल तो आपने नमाज पढ़ी होगी? हाँ। अगली बार हमें याद रखना आप नमाज में, दुआ में। ठीक है अंकल जी, नमस्कार।